तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लान खान और आप देख रहे हैं डिटेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत मजेदार करने वाली, क्योंकि आज मैं ऐड करने वाला हूं केरला स्टेट केस स्टडी। तो अभी देख के पता चलेगा कि पूरी केरला के केस स्टडी की, केरला पहले कैसा था और अब कितना डेवलप हो चुका है, सबको पता है। अब ये पूरे इसी के ऊपर एक केस स्टडी है, ये तो देख के पता चलेगा। लेकिन आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस पे बातें। तो लेट्स प्ले। अपने शासन काल में इंदिरा गांधी गई थी, हाँ। जो उस वक्त की केरला की स्थिति को साफ साफ बता रही थी। उन्होंने कहा था कि वो अब से चावल तब तक नहीं खाएंगे जब तक कि केरल में चावल की डिमांड पूरी नहीं होती। ये स्टेटमेंट अपने आप में खास इसलिए था क्योंकि केरल में लोगों के खाने के लिए चावल सबसे जरूरी होता है, और इंदिरा गांधी का ये कथन बता रहा था कि उनके शासन काल में केरल के लोगों के पास खाने को चावल नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि ये बात उस समय के केरल पर पूरी तरह से लागू होती थी। आजादी के दो दशकों के बाद भी केरल की स्थिति ऐसी थी कि दुनिया की बड़ी मैगजीनों में यहाँ की गरीबी और भुखमरी के बारे में बहुत सीरियसनेस के साथ लिखा जा रहा था। और उस समय तक ऐसा कहा जाता था कि केरल भारत का सबसे कमजोर और गरीब राज्य है। लेकिन आज की तस्वीर देखें, शायद इंदिरा गांधी जी स्वर्ग में भी इस समय चावल ही खा रही होंगी, क्योंकि वही केरल आज भारत के सबसे डेवलप्ड राज्यों में से एक है। सबसे डेवलप्ड स्टेट हुआ कि केरल ने इस दौड़ में खुद को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रबड़, नारियल और मछली के लिए केरल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में किनारा भी है तो फ्रेश वाटर के सबसे अच्छे रिसोर्सेज भी है। प्रकृति की दी हुई हरियाली और रिसोर्स के दम पर आज केरल भारत के सबसे स्वच्छ राज्य में से भी है। बिल्कुल। नीति आयोग ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत केरला ने गरीबी, भुखमरी, एजुकेशन, क्लीन वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी, जेंडर इक्वालिटी जैसी 17 चीजों में खुद को ऐसा मैनेज किया है। बिल्कुल। सरकार की तरफ से 75 पॉइंट्स के साथ केरला इस रिपोर्ट में भारत का सबसे बेहतरीन राज्य माना गया। आज केरला में करीब 96% से ज्यादा लोग साक्षर हैं। जेंडर इक्वालिटी में भी केरला में 1000 पुरुषों पर 1048 महिलाओं का पाया जाना सराहनीय है। बिल्कुल। ये सब हुआ 1980 के बाद। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि केरला आज इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए है क्योंकि उसने समय रहते अपने एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया। तो दोस्तों, ये बात सच भी है, क्योंकि जब 1956 में केरला राज्य बना और 1957 में केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली बार सत्ता में आई, सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर जोर देने के लिए एक नया बिल पास किया। बिल्कुल। जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे स्कूल तो बनाए ही, लेकिन साथ ही प्राइवेट स्कूल जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी उन्हें भी अपने साथ मिलाकर उनके टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी। इस एक स्टेप ने ये दिखा दिया कि गवर्नमेंट के पास भले ही ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो तब भी राज्य के लोगों की बेसिक अधिकारों को पूरा करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ के टीचर्स अपने काम को और मेहनत से करने लगे। साथ ही केरला के बनने के साथ ही जो बदलाव हुए उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वहाँ का सो कॉल्ड लोअर कास्ट सेक्शन भारत के दूसरे राज्यों की तरह शिक्षा से वंचित नहीं रहा। इसी दौर में केरला में ईसाई मिशनरियों का बोलबाला था, जिसके तहत ज्यादातर लोअर कास्ट के लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसके बाद उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरी तरह से इन मिशनरियों ने उठा लिया और सरकार को भी इनके लिए नए स्कूल नहीं खोलने पड़े। उन्होंने इसी मिशनरियों को ही सपोर्ट करके उनके एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारा, जिससे कि गरीब और तथाकथित छोटी जाति के लोगों तक भी शिक्षा पहुंच सकी, और यही आज के केरला के मॉडल का बेस बना। इसके बाद अगर हेल्थ की बात करें तो उस मामले में भी केरला की सरकार ने नए तौर तरीकों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट किया। यही कारण है कि इस दौर में केरला की नर्सेस देश में सबसे बेहतरीन मेडिकल सेवा देने के लिए पहचानी जाने लगी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का केरला को फायदा ये हुआ कि उन्होंने बिना किसी कास्ट या क्लास के फेवर को ध्यान में रखे पूरे राज्य के विकास पर खुद को फोकस किया। अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट का फायदा केरला को आगे चलकर कैसे हुआ वो समझते हैं। 80 से 90 के दौर में जहाँ केरला की प्रति व्यक्ति आय भारत की एवरेज प्रति व्यक्ति आय से 20% कम थी, वैसे 2000 के बीच केरला में आंकड़ा
भारत के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो गया। वो बराबर हैरानी तब हुई जब इसी केरला ने 2017 में खुद को ऐसे रखा कि केरला की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत की एवरेज प्रति व्यक्ति आय से 60% इस ग्रोथ के पीछे साफ था। पहला, केरला में डोमेस्टिक डिमांड का पड़ा था, केरला का शिक्षा और एजुकेशन चीजों डोमेस्टिक डिमांड को अगर और से समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि केरला का एग्रीकल्चर इतना कि वो पूरी दुनिया में कोकोनट और रबर जैसे महंगे गुड्स को बेचकर अमीर होने लगा। साथ ही केरला में मजदूरों को भारत के दूसरे राज्यों से करीब 2 गुना मजदूरी मिलती है, जिस कारण यहाँ के मजदूरों की आय भी बाकी राज्य के लोगों से ज्यादा है, जिससे वो अपने राज्य में ही उपजने वाली चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। इसी कारण डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन अब अगर देखें कि शिक्षा में किए गए इन्वेस्टमेंट इस ग्रोथ में क्या फायदा हुआ, तो हमें 1980 का वो दौर याद करना पड़ेगा जब अरब के देशों में अचानक अमीरी आने के नाते उनके पास काम करने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ गई थी। क्योंकि केरला से अरब के देशों में जाना उसके इतिहास का हिस्सा रहा है, इसीलिए 1980 आते केरला के पढ़े लिखे लोग उन देशों में जाकर काम करने लगे थे जहाँ उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी। कुछ हिस्सा जब वो अपने लोगों को भेजते तो उसकी केरला में ज्यादा वैल्यू होती, जिससे कि लोगों के पास पैसों की कमी खत्म हो। इसके अलावा भी केरला में किए गए कामों में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि केरला का 47% इलाका आज अर्बनाइज्ड हो चुका है, बाकी भारत से करीब 10% ज्यादा है। अब अगर फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में जब पूरा देश खुद को आईटी सेक्टर में आगे बढ़ा रहा था, उस समय केरला की गवर्नमेंट ने तिरुवनंतपुरम में देश का पहला आईटी पार्क बनवाया। आईटी पार्क आज भी इंडिया के सबसे बड़े आईटी पार्क्स में से एक। ये बात इसलिए नोट करने वाली है दोस्तों, क्योंकि केरला ग्लोबल टेक्नोलॉजी को लेकर भी शुरुआत से काफी ओपन रहा है, जो उसकी तरक्की का एक और अहम कारण है। हालांकि सारी लिस्ट में टॉप करने के बावजूद इस सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करते ही केरला की कुछ चिंताएं भी जरूर बढ़ गई, जिसमें घटती पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक बड़ी चिंता है। क्योंकि आज केरला में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा है, मतलब जापान से केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 17% के करीब है, तो वही केरला में रेट मात्र 4% के आसपास ही है, जिसका असर उन्हें आने वाले 20 सालों में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब राज्यों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सरकार को ज्यादा पेंशन देनी पड़ेगी, जिससे कि गवर्नमेंट पर दबाव आएगा, साथ ही मेन पावर भी घट जाएगा, जिससे कि जो प्रोडक्शन और लेबर अभी केरला में है वो आगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय में फिर से कमी आएगी। इसके अलावा केरला ने अपने विकास में एक और गलती की, जो कि उसका हर्जाना भी केरला को ही भुगतना पड़ सकता है। केरला ने एंटरप्रेन्योर और बाहरी इन्वेस्टमेंट में इतना ध्यान नहीं दिया, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में बढ़ सकता है। क्योंकि कोविड की वजह से बाहर के देशों से जब से लोग केरल वापस आए हैं, उनके साथ ये समस्या भी साथ ही आई। खैर, केरल हर मोमेंट पर अपने को लगातार बेहतर बनाता है, इसीलिए हम ये आशा कर सकते हैं कि इस आने वाली परिस्थिति के लिए भी केरल के पास कोई बढ़िया उपाय जरूर। इतनी तरक्की के साथ एक बात केरला के लिए और ऐड कर देनी चाहिए कि इस समय केरला ही वो एक प्रदेश है जहाँ से भारत की सबसे बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री भी काम कर रही है, जिसको मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सराहना के कारण आज इसकी लोकप्रियता भी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसलिए आप पर्सनल लेवल पर केरला से कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन उनकी फिल्में जरूर देखें। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बारे में क्या मत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो देखिए बहुत अच्छी है, केस स्टडी लगी। हालांकि मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें पता थी कि केरला बहुत ही, मतलब जब इंडिया के साथ ये जब स्टेट बना तो बहुत ही गरीब स्टेट था, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा पूर्व स्टेट यही था। तो जैसे बताया कि इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक केरल में चावल की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक मैं चावल नहीं खाऊंगी। लेकिन आज देखो केरल कितना आगे हो गया हर चीज़ में। केरल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की सरकार, ये पता है, काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की यार, मतलब एजुकेशन तो आज कोई स्टेट है नहीं इंडिया का जो उसके बराबर खड़ा हो पाएगी, क्योंकि जितना उसका लिटरेसी रेट है 96% और बहुत जल्द 100% होने वाला है। लेकिन HDI में नंबर 1 पे है और आज केरला कितना डेवलप स्टेट है, मतलब 30-40 सालों में इतना डेवलप स्टेट हो गया कि इंडिया का उस लेवल पे भी कोई स्टेट नहीं जितना हर चीज़ में ये केरला आगे है। और जैसे बताया कि केरला की इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री, मैंने तो बहुत ज़्यादा मूवीज देखी हैं बॉलीवुड की, मोहनलाल सर हैं, मम्मूट्टी सर हैं, कितने लेजेंड एक्टर्स हैं वहाँ के, ये बहुत अच्छी अच्छी मूवी हैं उधर की। बाकी तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ बढ़ लीजिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।